टेस्टी होम फूड में चलिए आज हम लोग बचका बनाते हैं। आलू का इस बार हम लोग बचका बनाएंगे जो बहुत ही स्वादिष्ट बचका बन के तैयार होता है और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत झटपट बन करके तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरीका से आपका बचका बन के तैयार होगा। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग बचका बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बेसन है और ये आलू है जिसको हम धो करके इतने साइज में ही काट लिए हैं। आपके पास स्लाइसर होगा तो आप उससे भी काट सकते हैं। अब चलिए हम लोग नाश्ता अपना तैयार करते हैं। इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, एक चौथाई चम्मच के करीब हम मिर्ची डालेंगे, अपने स्वाद के अनुसार आप डाल दीजिएगा। अजवाइन और मंगरेला है और स्वाद के अनुसार नमक है और एक चुटकी हम हींग डालेंगे। अब इसका हम लोग एक बैटर तैयार करेंगे। बहुत ही जल्द से नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। थोड़ी सी इसमें हम और पानी ऐड करेंगे। बहुत गाढ़ा बैटर इसका हम लोग को तैयार नहीं करना है। देखिए हम लोग का बैटर बन के बिल्कुल भी तैयार हो गया है। देखिए इसी टाइप का बैटर अपना तैयार करिएगा, बहुत ही जल्दी नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा आपका। अब एक हम लोग कढ़ाई बैठा लेते हैं, इसमें ऑयल डाल देते हैं। देखिए कढ़ाई हम बैठा लिए, अभी हम गैस ऑन कर देते हैं। इसमें ऑयल डाल दिए हैं हम, अब इसको हमको गर्म करना है। आगे हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तभी हम इसमें तलेंगे। अब हमारा ऑयल है सो गर्म हो चुका है। देखिए ये आलू का टुकड़ा ले करके आपको इसमें डिप करना है और इसको पूरा ऐसे निकाल देना है, इसका बेसन को, एक्स्ट्रा बेसन को। अब इसमें हम डालते चले जाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा बेसन हो उसको आप निकाल दीजिएगा। अब इसको हम इतना पकने देते हैं। अब ये ऊपर आ जाएगा तभी हम इसको पलटेंगे। एक तरफ से तब तक हम लोग का थोड़ा बहुत पक जाएगा। देखिए बिल्कुल भी पक करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलिए इसको हम लोग निकाल लेते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक तोड़ करके कि कितना अच्छा ये अंदर से पक चुका है। अभी देखिए थोड़ा सा गर्म है, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर मैं आपको दिखलाती हूँ कि बहुत ही अंदर से कितना अच्छा ये पक करके तैयार हो चुका है। देखिए अभी ठंडा हो चुका है, चलिए मैं आपको तोड़ के दिखलाती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। देखिए देखिए अंदर से बहुत ही कुरकुरा आपका बन करके तैयार होगा आलू। पूरा आलू अंदर से देखिए पक चुका है। आप इसको किसी भी सॉस या किसी भी चटनी के साथ, जो भी आपको पसंद हो उसके साथ आप खा सकते हैं। देखिए अगर आपको मेरा चैनल अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए ताकि आने वाली जो वीडियो हो वो आपके पास
आसानी से पहुंच सके। और एक बार आपने घर में आप जरूर से जरूर इसको ट्राई करके देखिए।